सही। भाई साहब चला के दिखा दो, ये तो बड़ी गजब लग रही है। बिल्कुल गजब होती है सर। तो जी हम फरीदाबाद में आज आपको एक ऐसा खाना दिखाने वाले हैं जो पूरे फरीदाबाद में इतना टेस्टी इतना बेहतरीन खाना शायद ही किसी बैंड में मिलता हो। नमस्कार भैया। नमस्कार सर। भैया हमें तो पता चल गया भाई आप बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाते हो, और क्या क्या बनाते हो पहले तो ये बता दो। बनाते तो सर लगभग हम सब कुछ ही है। हाँ जी, तो हमारा डेली बेसिस का होता है वो शाही पनीर, कढ़ी पकौड़ा, राजमा, राइस, रोटी, नवरत्न पराठा, मटर पनीर, ये सब चीजें चलती। नवरत्न पराठा सर। अच्छा, नौ प्रकार के आटे से बनते हैं। तो आज क्या क्या बना के लाए हो? आज मैं बना के लाया हूँ सर शाही पनीर, मलाई कोफ्ता। हाँ जी, शाही पनीर और राजमा, कढ़ी पकौड़ा, राजमा, राइस। अच्छा, मैंने एक चीज सुनी थी आपके बारे में, आप वो बनाते हो मलाई टिंडे। जी, मलाई टिंडा बहुत जबरदस्त बनता है। कब आज लाए हो? आज नहीं लाया सर, आज कोफ्ता लाए हो। अच्छा, कभी कोफ्ता कभी मलाई टिंडे। हाँ, चेंज होता रहता है, मतलब डेली बेसिस पे डेली सब्जी, दो सब्जी। तो मैं आपको पहले बता दूं भाई, ये 15 सेक्टर की पुलिस चौकी है हमारे बराबर में, और उसी के बराबर में भैया खड़े होते हैं। तो भैया एक बार सब्जियां दिखा दो। तो भैया दिखाओगे क्या क्या लेके आए हो? हाँ जी, हाँ जी सर। तो भाई चेक कर लेते हैं पहले सब्जियां क्या क्या हैं। कोफ्ता से ही चालू करते हैं। कोफ्ता से ही? भाई साहब चला के दिखा दो, ये तो बड़ी गजब लग रही है। बिल्कुल गजब होती है सर। काजू भी डाले हुए इसमें आपने? डलता है सर इसमें, मलाई, काजू, क्रीम, बटर, सब कुछ होता है। बहुत ही टेस्टी होता है। कोफ्ते किस चीज के होते हैं? कोफ्ते होते हैं सर ये काजू घिया और उसके होते हैं अच्छा? काजू घिया के और उसके होते हैं। क्या बात है, बहुत ही जबरदस्त सब्जी लग रही है यार, ये जरूर ट्राई करेंगे, मजा आ गया देख के। तो कोफ्ते तो बेहतरीन बनाते हैं आप खुद ही सारा खाना? खुद बनाता हूँ सर। अच्छा, और क्या है साथ में? और साथ में सर अपने पास कढ़ी पकौड़ा है। ओहो, क्या करके मानोगे आप भाई साहब। सर एकदम होममेड होता है, गजब का खाना। मतलब ये तो बिल्कुल खाना ऐसा लग रहा है कि बस अभी टूट पड़ो। आप कड़ी की रंगत चेक करो यार, इतनी धासू कड़ी। पकोड़े इसमें भी वही रहते हैं? इसमें सर प्याज के, ऑनियन के पकोड़े होते हैं। प्याज के और पालक के? पालक के। हाँ जी। अच्छा, बहुत ही बेहतरीन होता है स्वाद यार, क्या बेहतरीन कड़ी है। और होममेड पूरा होता है, किसी चीज में कोई मिलावट नहीं। और दिखा दो भाई, अब तो बात तो बस अब मेरा मन खराब हो गया। ये है सर शाही पनीर। ये है शाही पनीर। बाप, शाही पनीर थोड़ा कम लाते हो? हाँ, शाही पनीर ये ड्रम थोड़ा बड़ा है ना। अच्छा, बड़ा है तो कम लग रहा है। तो ये शाही पनीर होता है, ये भी बहुत ही बढ़िया गजब लग रहा है यार खाना। जैसा मैंने सुना था ना कि मेरे को किसी ने बोला था कि आपके पास जाए और इनका खाना एक बार चेक जरूर करना। वैसे मैंने सुना है आप ओम शांति से भी जुड़े हुए हो, तो भाई जिसका मन साफ हो उसका खाना तो बढ़िया ही होगा। ये क्या है? ये सर राजमा है सर। हाय हाय हाय, क्या बात है, इतने गाड़े राजमा, बढ़िया। अदरक वदरक डाल के है यार, क्या राज क्वालिटी देखो आप सब्जियों की। सच्चाई और ईमानदारी से काम होता है, जिसमें हाँ। किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं। बहुत बढ़िया, कोई छल कपट नहीं, और पूरी ईमानदारी और सच्चाई से काम करते हैं, तो परमात्मा हाँ। साक्षी है। अच्छा, ये राइस? हाँ, ये राइस है सर, बासमती राइस, फुल धनिया वनिया डाल के, धनिया वगैरह डाल के। बहुत बढ़िया। सॉरी भैया, आज भी चाहते भूल गए। अरे यार, क्योंकि चेंज करते रहते थोड़ा सा ना, चेंज करते भाई। आज ये नवरत्न पराठा लाना भूल गए, कोई बात नहीं, रोटी लाते हो? घर की तवे की रोटी। तवे की रोटी आई हुई है। तो एक प्लेट लगाओगे? हाँ बिल्कुल लगाता हूँ। तो भाई पहले अपनी प्लेट लगवा लेते हैं। लगाओ जी। हमारी जो चटनी होती है ना सर, चटनी बड़ा ही इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करने वाला होता है। इम्यूनिटी पावर वाली है? ऐसा क्यों? जबरदस्त सर, क्योंकि ऐसा क्या डालते हो इसमें? ऐसा सर, इसके अंदर जो है ना आंवला, धनिया, पुदीना, तुलसी, सारी आयुर्वेदिक तुलसी। हाँ जी, सारी आयुर्वेदिक चीजें होता है इसके अंदर। मतलब जबरदस्त चटनी बनाते हैं। चटनी का तो दीवाने सर यहाँ लोग, चटनी, राजमा, शाही पनीर के बहुत दीवाने हैं सर। एवरीथिंग 20,000 प्लस कस्टमर है। अरे भाई, अपना परमानेंट कस्टमर। परमानेंट? हाँ, और जो कस्टमर एक बार अपने यहाँ खाना खा लेना, वो बार बार यही लगभग कहीं का खा ही नहीं सकता। ये तो मैं तो भाई जैसा कि मैंने आपको बताया था, इनका खाना बहुत ही ज्यादा जबरदस्त, बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होता है, और पूरे फरीदाबाद में ऐसा खाना वैन में कहीं तो नहीं मिलता होगा। रेस्टोरेंट से भी काफी अच्छा खाना बनाते हैं, क्योंकि ये खुद ही बनाते हैं। और अपना रेस्टोरेंट था सामने? पहले था, पहले रेस्टोरेंट था, ये लॉकडाउन के बाद ही बंद हुआ है, क्योंकि बहुत ज्यादा रेंट वगैरह, रेंट हाँ, फिर बहुत टाइम काम क्लोज हो गया ना लॉकडाउन। हाँ जी, हाँ जी। चले फिर लगाए प्लेट? हाँ जी बिल्कुल। तो भाई एक प्लेट लगवा लेते हैं। अपने प्लेट कितने की है? क्या चीज प्लेट सर? अपनी 80 रुपीज की है। कितनी सब्जी? उसके अंदर 3 सब्जी आएगी और रोटी, रोटी आएगा, राइस आएगा उसके अंदर, चटनी, सलाद, सब कुछ आएगा। तो लगा दो जी, आप राजमा छोड़ के बाकी तीनों सब्जी लगा दो। ठीक है सर, राजमा चावल अलग से लगवाएंगे। हाँ, राजमा चावल अलग से लगा देंगे, बाकी 3 लगा देते हैं ना। हाँ,
तो भाई पहली सब्जी आती है थाली में कोफ्ता, जो अवेलेबल होगा या तो मलाई टिंडे है, हाँ मलाई टिंडे या बैगन का भरता या एवरीथिंग कोई भी सब्जी, शाही पनीर हो जो भी हो, तो वो चीज जो अवेलेबल होगा अपने पास वो लगाइए। आगे जी कोफ्ता, एक कोफ्ता जाता है, एक कोफ्ता और क्या जाएगा? ओ भाई साहब कड़ी पकौड़ा, कड़ी देख लो आप एक बार, क्या धासु लग रही है इनकी कड़ी, बढ़िया कड़ी होती है ये देखो भाई जबरदस्त। साथ में साथ पनीर में जाएगा, पनीर। तो भाई ये ऐसा शाही खाना अगर आपको कहीं मिल जाए ना वैन में, ये पूरा ओरिजिनल पनीर होता है सर, ओरिजिनल बढ़िया एकदम, बिल्कुल एक नंबर, मतलब यही नहीं कोई भी चीज जो है ना सब एक नंबर चीज है। और साथ में राइस, साथ में राइस। तो भाई ये जो थाली आप देखो, तीन तीन शाही सब्जियां इसमें जा चुकी हैं। राजमा मैं आपको अलग से लगा दूंगा, राजमा आप चावल हम अलग से लगवाएंगे, वो राजमा राइस का जो कॉम्बिनेशन है वो अलग है, वो अलग ही चलता है। तो ये आ गया जी राइस, राइस आ गया, थोड़ा राइस देते हैं। और कितनी रोटी, रोटी होगी इसके अंदर, दो रोटी होगी, दो रोटी, एक आदमी का पेट तो आराम से, एक आदमी का पेट आराम से भर जाता है। अगर कोई एक्स्ट्रा भी डलवाते हैं तो एक्स्ट्रा रोटी हो जाता है, 5 रुपए का रोटी होता है। अच्छा 5 रुपए का एक्स्ट्रा, हाँ, रोटी, तवा की रोटी घी लगा के, तो लगा दो रोटी मिले हो। ये अच्छा घी लगा के लाता है रोटी, प्योर गाय का घी होता है सर, एकदम गाय का घी एकदम प्योर, अभी आप खाएंगे ना आपको पता चल जाएगा, प्योर रोटी, प्योर तवा का रोटी, क्या एकदम सॉलिड रोटी लग रही है, एकदम सॉलिड रोटी है सर, अभी खाएंगे ना आप, हाँ अब देखेंगे अभी क्या चीज। तो ये थाली तैयार है हमारी, हाँ ये थाली आपकी बिल्कुल रेडी है। सलाद आ गया, ये आ गई चटनी, ये है चटनी 80 रुपए की मात्र, भाई 80 रुपए की ये थाली है, और इसमें इतनी बढ़िया बढ़िया सब्जी, रोटी, चावल, मजा आ जाएगा सब्जियां। भाई ये आ चुकी है हमारी 80 रुपए की थाली, बहुत बढ़िया। एक राजमा राइस भी लगवा लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि राजमा हमने टेस्ट नहीं करे हैं, थोड़े थोड़े ही डाल लो भैया, ठीक है सर। ये आ गई जी हमारे राइस, राइस बस 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 बहुत। और ये राइस तो बहुत ही फेमस है, बहुत फेमस है यहाँ पे, बहुत फेमस है सर, बहुत दूर दूर से आते हैं लोग, कहते हैं यार ऐसा राजमा हमने कभी नहीं खाया, सही में कसम से बहुत ही तारीफ करते हैं। सबसे ज्यादा एक ग्रेवी चलती है, ग्रेवी राजमा की जो है बहुत जबरदस्त चलती है, बहुत बढ़िया लग रही है गाड़ी, मजा आ जाएगा सर खा के ना बिल्कुल। सबसे बड़ी चीज है सर राजमा राइस, और ये तो वैसे ही परमात्मा की कृपा से बहुत ही। तो भाई ये आ चुके हैं राजमा राइस, तो भाई हमने राजमा राइस भी लगवाए थे तो वो भी टेस्ट कर लेते हैं एक बार, बहुत जानदार। तो भाई हमारी 80 रुपए की थाली आ चुकी है, आप थाली की रंगत चेक करो एक बार। भाई ये है शाही पनीर, कितना बढ़िया पनीर है, साथ में एक कड़ी पकौड़ा जिसमें इन्होंने बोला है पालक के पकौड़े होते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, थोड़ा बहुत पालक भी है इसमें। और ये है भाई कोफ्ता, तो कोफ्ते के लिए तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, कैसा होगा खाने में, देखने में तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो भाई रोटी भी इनकी जैसे इन्होंने बताया गाय के घी की रोटियां हैं, एकदम पतली पतली है भाई, आप चेक कर सकते हो। तो पहले लेते हैं कड़ी पकौड़ा, खट्टी खट्टी लाजवाब कड़ी, साथ में बहुत बढ़िया पकोड़ा। अब आती है कोफ्ते की बारी, इसमें इन्होंने बताया घी का कोफ्ता है जो कि काफी बढ़िया होने वाला है। भाई ये कोफ्ते की एक बाइट लेते हैं, भाई इतना लाजवाब खाना है, इतना सॉलिड किसी रेस्टोरेंट में नहीं मिलने वाला, आपको खुद ही बनाते हैं ये और खा के आपको मजा आने वाला है। एक बार मैं शाही पनीर भी ट्राई कर लेता हूँ, ऐसे ही खा के देखूंगा, स्मूथ सी ग्रेवी है, मजेदार। भाई एक बार यहाँ आए और इस शानदार खाने का आनंद ले, मिलते हैं आपसे अगली मिनट, गुड बाय।